तो बैक टू बैक माई चैनल मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका फैमिली ब्लॉग में। हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, एक रेसिपी दिखाते हैं आपको। चलिए चलते किचन की तरफ। मैं सब किचन के पास खड़ी हैं, खिड़की के पास देख रहा हूँ आपको। और जल्दी चलते हैं किचन की तरफ। अभी अभी आए वहाँ से दवाई लेके डॉक्टर के पास से, तो सुबह से कुछ भी नहीं बनाता तो इसीलिए बना रहे हैं। बाबू को खाली आटा रखा तो एक पराठा बना के दिए बस। सुबह से कुछ नहीं खाया, एक बज गया हुआ है ना, कुछ नहीं खाया है। अभी दवाई लेके आए तो दवाई खानी है इसीलिए कुछ बना रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग क्या बना रहे हो। ये बन रहा है ओवन ड्राई पास्ता। और अभी गैस बंद कर दी थी मैं क्योंकि पानी एकदम ढका था। मिर्ची और ये प्याज, ये टमाटर, ये काटे हैं तो देखिए किस पे काट दें। चलो किसी पे कटने दे, काटे बर्तन की बचत कर रहे, इसीलिए तबीयत सही नहीं है, इसीलिए धोने में दिक्कत हो, इसीलिए बचत कर रहे हैं बर्तनों की। और बाबू भी स्कूल से आ गए हैं लेकिन अभी कुछ बना नहीं, इसलिए बच्चे को भी खिलाना है, खुद भी खाना है। बुखार हो रहा है, अभी दवाई दिलवा के लाने दे। और देखिए ये बन रहा है पास्ता छोटी में से इसमें पानी डाली हूँ, थोड़ी सी खंड डाली हूँ। बनने वाली है, मैं इसको थोड़ी देर और ढक दे रही हूँ। उसके बाद देखिए लगा हुआ वाली है, हम इसको ले जाके उधर। और ये देखिए निकाल रही हूँ अभी इसमें से पास्ता, मैं सबको निकाल देती हूँ। छन्नी नहीं है, बस है लेकिन बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी क्या बिगाड़ो। तेल हो चुका गरम, मैं डाल देती हूँ इसमें जीरा और हरी मिर्च, प्याज। प्याज भी अच्छे से भुज गई, अब मैं डाल देती हूँ टमाटर, इसको भी अच्छे से बना देती हूँ। उसमें डाल देती हूँ नमक, इसलिए कि वो जल्दी से गल जाएगा। और धनिया पाउडर, कौन सी लाल मिर्च डालनी है, कौन सी ये वाली मिर्च डाली, सीख लग रही बस आ रही है और भी कलर वाली। ये मसाला अच्छे से भुज गया है, अब मैं डाल देती हूँ पास्ता और उसको कर दीजिए अच्छे से मिक्स। और मिक्स करके थोड़ी देर ऐसे ही मतलब चलाते चलाते उसे कढ़ाई से करती हूँ ताकि अच्छा सा मसाला उसमें चला जाए। देखिए बन के हो गया रेडी। अब मैं इसको किलो को मैं निकाल लेती हूँ खाने के लिए क्योंकि दवाई खानी है बुखार, अभी भी बुखार आ रहा है। तो खाने में जल्दी से खा लेते हैं दवाई, दवाई खा के करेंगे आराम। और पसा ही नहीं आता, चल ही नहीं रहे, बस जो लगा के खड़े हुए किचन में तो जाके बना रहे भाई। पेट में भी डालना जरूरी दवाई ववाई खानी है, तो इसके जो खड़े हुए हैं ये भी सोचा कि सुबह बेचारे इन्होंने नहीं कुछ खाया है, अब बनाई नहीं तो खाएंगे कहाँ से। देखिए आधा फैला जा रहा है, आधा फैला जा रहा है। ये पासे लियो, बन के रेडी हो गया, अब खाएंगे आप लोग भी खा लीजिए। गर्मा गर्म बाबू ना पढ़ाई कर रहे हैं तो पेंसिल ले आते हैं बार बार छिड़वाने के लिए, पापा ही चीन दो पापा ही चीन दो, और उसकी पेंसिल बाबू को चीन लेते हैं बार बार। तो खाते हैं मतलब सूट करने कुछ भी मन नहीं करा, तो वीडियो डालने की जरूरी है इसीलिए बनाया था, इसीलिए सूट कर लिया। तो मेरी अगर पास्ता बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं भी लगा हो तो भी लाइक कर दीजिए, ये ब्लॉग पूरा देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक नमस्कार दोस्तों, टाटा बाय बाय।